नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजे क्राफ्टी पर। तो ये है सेकंड पार्ट जो मैंने हेयर बैंड बनाया था उसका। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो गया था इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे ये रोज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब इसका फिनिशिंग करेंगे लास्ट हम। तो सबसे पहले हमें इस वाली रो में बनानी है 9 डबल क्रोचेट, तो हम बनाएंगे चेन 3 और हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस रो में टोटल हमारे 9 डबल क्रोचेट बनेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाके चेकआउट करिए, मैंने उसमें पैटर्न बनाना कंप्लीट बताया है। और ये उसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं लास्ट तक इसे फिनिश करके दिखाऊंगी। तो हमारी रो कंप्लीट होने वाली है और ये सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट और ये लास्ट डबल क्रोचेट जो हम चेन 3 स्पेस में बनाएंगे। तो ये देखिए टोटल ये 9 होंगे और जो हमारा लोअर पैटर्न है उसमें भी 9 डबल क्रोचेट है। तो आप काउंट करते जाइए और बनाते जाइए, क्योंकि दोनों बॉटम पार्ट और दोनों साइड पर सेम दिखना चाहिए हमारा बॉटम पार्ट। अब इस रो में देखिए इसमें हमारे 7 डबल क्रोचेट हैं, तो हमें इस वाली रो में डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैं डिक्रीज़ करना आपको बताऊंगी। ये देखिए इन दोनों को डिक्रीज़ करेंगे, केवल बैक लूप लेंगे दोनों चेन्स का, ये वाला बैक लूप और ये नेक्स्ट स्टिच का बैक लूप। और अब हम इन दोनों को स्टिच कर देंगे। तो ये है डिक्रीज़, है ना सिंपल। तो अब हम जो डबल क्रोचेट हमें बनाने थे वो हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। सेकेंड में डबल क्रोचेट और जो हमारी लास्ट टू स्टिच बचेंगी ये वाली, उनमें हम फिर से डिक्रीज करेंगे। तो हमें डिक्रीज केवल लास्ट में ही करना है ताकि हमारा पैटर्न सिमिलर दिखे। तो ये दोनों का बैक लूप लेंगे, यार्न ओवर करके इन दोनों बैक लूप से निकालेंगे और जैसे हम अपना नॉर्मल डबल क्रोचेट बनाते हैं वैसे हम बना देंगे। और डबल क्रोचेट बनाएंगे हम लास्ट 3 चेन स्पेस में। तो ये लाइन हो गई है कंप्लीट। ये देखिए ये 7 है और यहाँ पे भी 7 ही थे। आप काउंट करते जाइए, बहुत ज़रूरी है। और अब नेक्स्ट वाले में हमें 5 बनाने हैं डबल क्रोचेट। तो हम चेन 3 बनाएंगे और पैटर्न को टर्न करेंगे। अगेन हमें डिक्रीज़ करना है। तो ये देखिए ये चेन जो दिख रही है इसका बैक लूप लेंगे केवल, ये वाला लूप इसको लिया, नेक्स्ट वाली स्टिच का भी केवल बैक लूप लेंगे और इन दोनों को समझ आया ना आपको। मैंने डिक्रीज़ करना और इंक्रीज़ करना दोनों ही चीज़ें बताई हुई हैं मेरे कल के लाइव सेशन में, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। कल इवनिंग का जो लाइव था मेरा उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इंक्रीज़ करते हैं और कैसे डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी चीज़ें बनाना बताया है, तो आपको वहाँ पे भी कई सारे नए पैटर्न मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन मेरा सेशन चेकआउट कर सकते हो, मैं डेली ऑनलाइन आती हूँ। तो नोटिफिकेशन में भी मैं पहले से ही नोटिफाई कर देती हूँ आप सबको, तो आप सब आके उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं कई सारे पैटर्न बताती हूँ, तो वो सब पैटर्न आप इजीली बना सकते हो घर पे। तो आप जाके एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरा ऑनलाइन सेशन। और मेरी आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है क्योंकि मेरा कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ इसीलिए। और ये जो 5 डबल क्रोचेट की जो लाइन थी हमारी उसको हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। तो ये 2 लाइंस मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे देखिए ये 3 लाइंस है, 1, 2 और 3। तो ऐसे ही से मैं यहाँ पे भी बनाऊँगी। तो ये 2 लाइंस मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट लाइन बनाऊँगी डबल क्रोचेट की मैं। तो यहाँ पे चेन 3 और टर्न करके हमें केवल डबल क्रोचेट बनाना है लास्ट तक।
तो मैं आपको बता रही थी कि लाइव सेशन में भी मैं बहुत सारे फ्लावर स्मॉल से क्रॉचेट करना आपको बताया है, मैंने स्टार भी बताया है, कल के सेशन में तो बहुत कुछ बताया था मैंने, एक हाफ मून भी आपको क्रॉचेट करना बताया था, स्टार भी बताया था और कई सारे फ्लावर के पैटर्न भी मैं सब बता चुकी हूँ। तो आप जाके ऑनलाइन चेक कर लो और बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत कुछ बनाना बताया है। तो वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आपका अपना चैनल है एजे क्राफ्टरी, आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको रोज़ कुछ नया दे सकूँ मैं, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा चैनल को। और वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियोज़ कैसे लगते हैं और शेयर ज़रूर करिएगा अपने लव वंस के साथ और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बस बने रहिए एजे क्राफ्टरी के साथ। ओके, तो ये लास्ट हम सिंगल क्रॉचेट बनाएंगे इसको साथ में रखते हुए ताकि ये अटैच हो जाए साथ में, और ये जो आप इसमें नॉट देख रहे हो इसको भी साथ में ही क्रॉचेट कर लेना तो ये दिखेगी नहीं। तो मेरे पास अभी करंट में यही अवेलेबल थी तो मैंने इसी का यूज़ करा है, आप अगर कुछ और यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, वैसे ये भी अच्छी लगेगी। और ये लास्ट का सिंगल क्रॉचेट बना के हम अपने प्रोजेक्ट को कर लेंगे फिनिश। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको अपने लिए बनाना है तो ये सेंटर का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, 5 से 6 रो एक्स्ट्रा बना लेंगे तो आपको भी हो जाएगा। और हम यार्न को कट करके इसको फास्टन कर देंगे डिज़ाइन में, अंदर ही इसको स्टक कर देंगे ताकि ये बाहर दिखे नहीं। तो ये पैटर्न का लुक बहुत प्रिटी निकल के आया था, तो ये पैटर्न ट्राई ज़रूर करिएगा अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या फिर किसी को भी आपको गिफ्ट देना हो तो उसके लिए भी अच्छा है। तो अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बने रहिए आपके अपने चैनल एजे क्राफ्टी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, नमस्कारम।